स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका डेरिक द अल्टीमेट पे। और आज का हमारा टॉपिक है आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़। आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ यानी कीट पतंगों द्वारा फैलाया जाने वाला संक्रमण या कीट जन्य बीमारियाँ। आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। भारतवर्ष में बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो कि कीट पतंगों के द्वारा संक्रमण फैलता है। दीज डिजीजेज आर मोर प्रिवेलेंट इन वार्म रीजन दैन कोल्ड रीजन। ये जो बीमारियाँ होती हैं यह ठंडे क्षेत्रों की अपेक्षा गर्म क्षेत्रों की ओर ज़्यादा होती हैं। हमारे देश की जलवायु भी गर्म है, तो इसलिए यहाँ पर मक्खी, मच्छर, पिस्सू आदि का संक्रमण अधिकतर देखा जाता है। अब बात करता हूँ ट्रांसमिशन ऑफ आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीजेज कैसे फैलते हैं जो कीट पतंगों के द्वारा संक्रमण होता है। तो द आर्थ्रोपॉड कैन ट्रांसमिटेड द डिजीजेज इन द फॉलोइंग थ्री मेथड्स। तीन माध्यमों के द्वारा यह फैलते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मैकेनिकल ट्रांसमिशन और तीसरा है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। बात करता हूँ डायरेक्ट मेथड की। द आर्थ्रोपॉड्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन टू मैन थ्रू क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो संक्रमण होता है वह व्यक्ति से व्यक्ति में सीधे फैलता है। जब हम किसी के नज़दीक जाते हैं यदि वह संक्रमित होता है तो वह संक्रमण दे देता है। इसका एग्जांपल देखते हैं तो स्कैबीज है और पेडिकुलोसिस है। स्कैबीज में क्या होता है कि खुजली जैसे एक बंदे से दूसरे बंदे में पहुँचती है, ऐसे ही यह संक्रमण सीधे कांटेक्ट से पहुंचता है। आप दाद भी कह सकते हैं जो होता है, स्कैबीज भी होता है। बात करता हूँ दूसरे मेथड की, मैकेनिकल ट्रांसमिशन। सम आर्थ्रोपॉड्स ट्रांसमिट डिजीज एजेंट थ्रू देयर लेग्स एंड विंग्स टू द फूड ऑफ द हेल्दी पर्सन। कुछ कीट पतंगे जो होते हैं वह रोग के जो एजेंट होते हैं, जो कारक होते हैं, अपने पंखों और पैरों के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के भोजन को संक्रमित करते हैं। जैसे कोई मक्खी है और वह किसी संक्रमित स्थान पर बैठकर और फिर हमारे भोजन पर बैठती है और हमें संक्रमण प्रदान कर देती है या किसी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देती है। अगर उदाहरण देखा जाए तो ट्रांसमिशन ऑफ डायरिया, डिसेंट्री, फूड पॉइजनिंग, ट्रैकोमा, टाइफाइड, ये सब घरेलू मच्छी जो मक्खी होती है उसके द्वारा फैलाए जाते हैं। डायरिया, डिसेंट्री, फूड पॉइजनिंग, ट्रैकोमा, टाइफाइड। अब बात करता हूँ तीसरा जो मेथड होता है ट्रांसमिशन का, वो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। इन दिस केस द डिजीज एजेंट मल्टीप्लाईज आर अंडर गोज सम डेवलपमेंट चेंजेस विद आर विदाउट मल्टीप्लीकेशन इन द आर्थ्रोपॉड होस्ट एंड देन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन होस्ट। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो संक्रमणकारी आर्थ्रोपोड्स कीट पतंग होते हैं वह अपने अंदर परिवर्तन करते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। जैसे मलेरिया का ही उदाहरण हम ले लेते हैं। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र दो भागों में बंटा होता है, जिसमें से एक अलैंगिक जीवन चक्र जो मनुष्यों में होता है तथा लैंगिक जीवन चक्र जो मादा एनोफिलीज मच्छर में पूर्ण होता है। तो ये दो जीवन चक्र दो भागों में इनका बंटा होता है। ऐसे ही फाइलेरिया का होता है, प्लेग जो कि चूहे के पिस्सू के द्वारा फैलता है। अब बात करता हूँ आर्थ्रोपॉड्स और कौन कौन से रोग वो फैलाते हैं। तो फर्स्ट है मस्कीटो। मस्कीटो से मलेरिया, फाइलेरिया, वायरल इंसेफलाइटिस, वायरल फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया एंड मच मैनी अदर्स डिजीजेज ट्रांसमिटेड। मच्छर के द्वारा मलेरिया, फाइलेरिया, वायरल इंसेफलाइटिस जिसे हम जापानीज इंसेफलाइटिस या मस्तिष्क ज्वर दिमागी बुखार भी कहते हैं, वायरल फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया, बहुत सारे रोग मच्छरों के द्वारा फैलाए जाते हैं। फिर आता है हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है, इसके द्वारा टाइफाइड, पैरा टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, गैस्ट्रो एंटेराइटिस, एमेबियासिस, ट्रैकोमा जो घरेलू मक्खी है वो इतने रोग कम से कम फैलाती ही है।
कौन कौन से टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अमेबियासिस और ट्रैकोमा। चूहे के द्वारा जो फैलाए जाते हैं संक्रमण, चूहे के जो पिस्सू होते हैं उसमें बबोनिक प्लेग है, इंडेमिक टाइफस है। इसी प्रकार इच माइट जो होता है वो स्कैबीज फैलाता है, जो जैसे जुए नहीं हो जाते हैं, जू या पिस्सू बालों में हो जाते हैं जिसे डैंड्रफ वगैरह देते हैं, स्कैबीज को फैलाता है, खुजली फैलाता है। कॉकरोच एक तिलचट्टा जिसे कहते हैं घरों में पाया जाता है, घरेलू एक जो कीट पतंगा में से एक होता है, और कॉकरोच के द्वारा इंटेरिक पैथोजेंस, तमाम तरह के पैथोजेंस फैलाए जाते हैं। इसी प्रकार सैंड फ्लाई आपने देखी होगी, मक्खी बड़ी वाली, उसके द्वारा लीसमैनियासिस जिसे कि कालाजार कहते हैं वह फैलाया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण हुए जो आर्थ्रोपॉड डिजीज जो है फैलाते हैं। ये वाहक होते हैं कि अपने अंदर बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ को लिए घूमते हैं और हमारे भोजन को या हमारे शरीर को संक्रमित कर देते हैं, और कभी कभी यह महामारी का रूप भी ले लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों कैसे फैलते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं और कौन कौन से वाहक होते हैं आपके समझ में आया होगा। तो विदा लेता हूँ आज का वीडियो, बस यहीं तक। जल्दी फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।